क्लास टू की हिंदी, उसमें पार्ट वन में आप लोगों को सीख कविता है, पार्ट वन में आप सभी को सीख कविता है। और इस कविता से, इस कविता पेज नंबर 13 में है, ये कविता पेज नंबर 13 में। अगर आप सभी के पास बुक नहीं है तो आप सभी बुक खरीद लें। अब देखिए, प्रकृति की सभी चीजों में कुछ ना कुछ अद्भुत है। प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्रकृति की सभी चीजें से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब देखिए, दूर पहाड़ हमें सिखलाते, बनो असल मन साधु। असल का मतलब होता है गतिहीन और स्थिर। असल का मतलब होता है गतिहीन और स्थिर। करो परिश्रम, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। करो परिश्रम अंतिम दम तक, दम का मतलब होता है सांस। मत जीवन से भागो, दूर पहाड़ हमें सिखलाते, बनो असल मन साधो। करो परिश्रम अंतिम दम तक, मत जीवन से भागो। यानी कि ये पहाड़ जो है वो हमें सिखलाता है कि बनो असल मन साधो, यानी कि स्थिर बनो, गतिहीन बनो। जिस तरह पहाड़, हवा चले, कुछ भी हो जाए, लेकिन पहाड़ कभी हिलता नहीं है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे ही हम लोगों को बनना चाहिए पहाड़ की तरह। चाहे आंधी हो, तूफान हो, कोई भी समस्या हो, पर हम लोगों को हिलना नहीं चाहिए। हमें जो परिश्रम करना है, जो हमारा कर्म है, उसे हमें करते रहना चाहिए। करो परिश्रम अंतिम दम तक, मत जीवन से भागो। मेहनत करो अंतिम दम तक, जब तक सांसें हैं तब तक मेहनत करो, जीवन से भागो मत। पहाड़ की तरह बनो, चाहे तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी आ जाए, हमें मेहनत करना है, हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, सेकंड है, झिलमिल झिलमिल तारे कहते, सदा चमकते रहना। अंधकार कितना हो फैला, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। अंधकार कितना हो फैला, हर पल लड़ते रहना। पल का मतलब होता है एक छोटा सा भाग, यानी कि एक छोटा सा क्षण, जो हमें छोटा सा पल मिलता है, समय मिलता है, वही। झिलमिल झिलमिल तारे कहते, सदा चमकते रहना। अंधकार कितना हो फैला, हर पल लड़ते रहना। ये जो तारे हैं, ये भी हमें सिखाते हैं कि सदा चमकते रहने के लिए। आसमान में आप तारे तो देखे ही होंगे, कितना भी रात हो, अंधेरे में, अंधेरा कितना भी हो, तारे तो चमकते ही रहते हैं। उस तारे की तरह हम लोगों को बनना चाहिए कि चाहे कितनी भी समस्या हो, हम हंसते रहे, हमेशा चमकते रहे, हर पल लड़ते रहना। और हम कितना भी समस्या क्यों ना हो, हम लड़ के उस समस्या को हल कर दें। उसके बाद हम लोगों का है, कलम सिखाती हमको लिखना, पुस्तक ज्ञान बढ़ाना। पुस्तक कलम सिखाती हमको लिखना, पुस्तक ज्ञान बढ़ाना। ज्ञान का मतलब हुआ जानकारी। लहर लहर लहरे सिखलाती, लहराते ही जाना। ये लहरे हम लोगों को क्या सिखाती है कि हमेशा लहराते ही जाना। जैसे लहरे कुछ भी हो जाए वो रुकती नहीं है, चाहे कितना भी समय कमजोर हो, समय कितना भी कमजोर हो, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो लहरें लहराती रहती। वैसे ही हम लोगों को भी बनना चाहिए, लहराते ही रहना चाहिए, लहरों की तरह हमेशा लहराते ही रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। उसके बाद है, जीवन का उद्देश्य है बढ़ना। उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य, नई मंजिलें पाना। मंजिल का मतलब होता है, मंजिलें का मतलब होता है अंतिम पड़ाव या मुकाम। पहुंच गगन में जाओ तुम, पर धरती नहीं भुलाना। जीवन का उद्देश्य है बढ़ना, नई मंजिलें पाना। जीवन का उद्देश्य है नई मंजिलें पाना। जीवन का जो उद्देश्य है वो मंजिल को पाना है। हमेशा हम लोगों को अपनी मंजिलों को पाना चाहिए, मंजिलों के लिए सोचना चाहिए कि मेरा सोच कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, उसको पाना है। पहुंच गगन में जाओ, चाहे तुम कितने भी
बड़े हो जाओ, लेकिन अपनी धरती को नहीं भुलाना चाहिए। इस कविता से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को सकारात्मक रूप से देखने पर हमें सदा सीख मिलती है। इस कविता से दुनिया की हर प्राकृतिक चीजों से हमें सीख मिलती है, कैसे पहाड़ कैसे स्थिर बनो, पहाड़ की तरह बनो, गतिहीन बनो, स्थिर बनो, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समस्या क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना है। जब तक हमारे अंदर सांसें हैं तब तक हमें आगे बढ़ना है, हर पल आगे बढ़ना है। ये ताले हम लोगों को क्या सिखलाते हैं, चाहे अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना है, तारों की तरह चमकते रहना है। चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, हमें तारों की तरह चमकते रहना है। लहरें क्या सिखलाती है हम लोगों को, कि लहरें चाहे कितना भी कुछ हो जाए, कैसा भी कठिनाई आ जाए, हमें लहराते रहना है हमेशा। और जीवन का उद्देश्य है मंजिल पाना। हम लोगों का उद्देश्य है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अपनी मंजिल पानी है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है। अब देखिए अगला पेज, देखिए पेज नंबर 12, पेज नंबर आपका 12 है, पेज नंबर ये आपका होमवर्क है। बस इतना ही, आप लोग होमवर्क बनाइए और अब अगले दिन मिलेंगे। बाय।